तो दोस्तों आज है संडे और मैं हाजिर हूँ आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स लेकर। आज के इस क्यू एन ए वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ऑनली टैक। दोस्तों पहले ये सूचना दे देता हूँ कि हमारे चैनल पर एक मेगा गिव अवे चल रहा है, जहाँ पर ट्राईपोर्ट माइक और जियो के रिचार्ज आप जीत सकते हैं। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, जाइए पार्टिसिपेट कर लीजिए। 25 अक्टूबर तक ही आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे पहला जो सवाल है ये लिखने वाले प्री ट्रेंड, और ये लिखते हैं सर कितना परसेंट सीटीआर तक हमारा एडसेंस सेफ रहता है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए मैं इस पर एक पहले खुल के वीडियो बना चुका हूँ सीटीआर पर। सीटीआर कितना सेफ रहता है ऐसा कहीं यूट्यूब के किसी रूल्स में नहीं लिखा हुआ, और सीटीआर बढ़ने से घटने से कुछ होता नहीं है, होता है सिर्फ और सिर्फ इनवैलिड क्लिक की वजह से। इनवैलिड क्लिक अगर आपके चैनल पे आएगा तो आपका सीटीआर चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो आपका एडसेंस डिसेबल हो सकता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे इनवैलिड क्लिक नहीं आ रहा है, सीटीआर बढ़ भी रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस ये एक यूट्यूब पर चल रहा है एक साइकोलॉजी है कि भाई 15 से ज़्यादा अगर सीटीआर कंटिन्यू रहता है एडसेंस के अंदर तो थोड़ा लगता है कि भाई हो सकता है कि हमारे चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है, तो वो लोग अपने एड्स को बंद कर देते हैं। बट सीटीआर बढ़ने से एडसेंस डिसेबल हो जाए ये बात सच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनवैलिड क्लिक की वजह से एडसेंस डिसेबल होता है। अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले सुमित मलिक जी, और ये लिखते हैं सर अगर हम अपने पीसी या लैपटॉप में बहुत सारे क्रोम ब्राउजर ओपन करके उसमें अपनी वीडियो को चला दे तो क्या हमारा वॉच टाइम इंक्रीज होगा? सर मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, तो सर इससे हमारा वॉच टाइम इंक्रीज होगा, प्लीज़ रिप्लाई। मेरे भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आप लोगों की थिंकिंग कैसी होती है। मैं बहुत बार आपको समझा चुका, अगर सारी वीडियो खुद ही देखनी है तो चैनल क्यों बनाते हो? रिकॉर्ड करो और अपने मोबाइल पे खुद ही देख लो। चैनल बनाया है दूसरों को दिखाने के लिए, पैसे भी आप तभी कमा पाओगे। और मान लीजिए आपने वॉच टाइम कंप्लीट भी कर लिया, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो गया, बाद में भी आप खुद ही देखोगे तो पैसे कैसे कमाओगे? दूसरी बात, अगर आप एक ही पीसी पर इस तरह से आप करते हो तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको लगे यार मेरे तो व्यूज़ वगैरह सब काउंट हो गए, लेकिन यूट्यूब बहुत स्मार्ट है, वो सारे बाद में घटा देता है। तो इसका कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला जो कमेंट है लिखने वाले DAX रहबारी, और ये लिखते हैं सर अगर हम अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करवाते हैं और 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो क्या सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा? देखिए भाई इसके जवाब इस तरह से है कि YouTube ने कहीं कोई लिखा तो है नहीं, कोई रूल्स भी ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने एक ब्लॉग में पढ़ा था, YouTube का एक ब्लॉग था, वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने रिप्लाई किया हुआ था, और वहाँ पर सीधी सी बात ये थी कि मान लीजिए कोई ऐसा चैनल है जिस पर मोनेटाइज हो ही नहीं रहा, मतलब उसका कंटेंट ही ऐसा है कि मोनेटाइज नहीं हो सकता है, उसके अगर 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो हो सकता है उसको सिल्वर प्ले बटन ना दे यूट्यूब, क्योंकि 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद भी बहुत कुछ यूट्यूब देखता है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा चैनल है जो मोनेटाइज हो तो सकता है लेकिन बंदे ने मोनेटाइज करवाया नहीं है, जैसे संदीप महेश्वरी जी, उन्होंने मोनेटाइज खुद नहीं करवाया, तो ऐसे केस में चैनल अच्छा है, चैनल का कॉन्टेंट अच्छा है, ऐसे केस में सिल्वर प्ले बटन जो है वो दे दिया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की, और ये पूछने वाले ZP सिधी, और ये पूछते हैं आई एम योर सब्सक्राइबर एंड फैन, नाइस वीडियोज, आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए 5,000 व्यूज आए जिसमें टोटल 200 ऐड आई, सभी स्किपेबल ऐड थी, सभी व्यूअर ने 5 सेकंड के बाद स्किप कर दिया, तो मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा क्या? देखिए भाई इस पर मैंने एक वीडियो बनाया यूट्यूब पे, आप देखना व्हाट इज RPM CPM, इस तरह का एक वीडियो बनाया, उसको आप समझिएगा। क्रिएटर गाइड पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, एक होता है CPM कॉस्ट पर माइल और एक होता है CPC कॉस्ट पर क्लिक। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपको पैसा मिलता है ना वो इंप्रेशन का भी मिलता है, जो इंप्रेशन आपके आते हैं उनका अलग कॉस्ट होता है, जो क्लिक्स होते हैं ऐड पर उनका अलग होता है, और सब कुछ मिलाकर ही आपकी रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आप पूरी तरह से इस चीज़ को सीखना चाहते हैं कि यार वाकई में रेवेन्यू जनरेट होता कैसे, तो आई बटन में मैं एक वीडियो दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि किसी वीडियो का 5-10 साल बाद भी ऐड और व्यू आता तो क्या पैसा मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, मैंने 3 साल पहले जो वीडियो बनाया था आज भी उस पर ऐड आता है, तो भैया ऐड से पैसा कमाऊंगा ना, यूट्यूब भी तो एडवर्टाइजर से पैसा ले रहे हैं, मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। अगला जो सवाल है ये लिखने वाले ऐप्स रिपोर्टर, और ये लिखते हैं अंकल एक क्वेश्चन है, अंकल भाई अभी से अंकल बना दिया यार। चलिए आपका जो क्वेश्चन है ये है, अगर हम दूसरी वीडियो के टेक्स्ट कॉपी करते तो हमारे टेक्स्ट रैंक नहीं करते, तो हम रैंकिंग टेक्स्ट कैसे लगाएं हमारी वीडियो सर्च में ऊपर आए? देखिए वीडियो सर्च में ऊपर आना, वीडियो का रैंक करना, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कोई वीडियो रैंक कर रही है उसके टैग चुराए, अब हमारे मतलब वीडियो में डाल दिए तो हमारा वीडियो के भी टैग रैंक करने लगेंगे, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं। किसी भी वायरल वीडियो का अगर आप टैग्स लेते हो तो आपको लगता है कि यार ये टैग्स तो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं तो हमारी वीडियो पर भी करेंगे, नहीं, वीडियो रैंक करने में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, अकेला टैग्स ही काम नहीं करता।
अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं रमा करोलिया जी, और लिखते हैं एडिटिंग के लिए बढ़िया सॉफ्टवेयर बताइए। देखिए भाई, एडिटिंग के लिए बढ़िया सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें आपकी कमांड होती है, जिसको आप अच्छे से यूज़ करना जानते हैं। फिर भी मैं कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो आप किने मास्टर यूज़ कर सकते हो, जिसको कुछ लोग काइन मास्टर भी कहते हैं, एक्चुअल नेम उसका किने मास्टर है। इसके अलावा साइबर लिंक पावर डायरेक्टर, ये दो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके पास पीसी है तो आप स्टार्टिंग में फिल्मोरा यूज़ कर सकते हो, कैमटेसिया स्टूडियो यूज़ कर सकते हो, ईजी है। अगर आप बहुत हैवी एडिटिंग करना चाहते हो अडोब प्रीमियर प्रो यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा और ज़्यादा कलर ग्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो, द विंची रिसॉल्व भी आप यूज कर सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। मेन बात यह है कि आपकी कमांड किस पे आपको अच्छे से कौन सा आता है। अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं फैंसी टैग, और ये पूछते हैं मेरी यूट्यूब चैनल है वीडी वर्कशॉप, 10K सब्सक्राइबर होने वाले, 10K सब्सक्राइबर पर ब्रॉन्ज बटन मिलता है क्या? अब ये जो सवाल है इसका जवाब देना बनता है, और आपको भी आज एक नई चीज सीखने को मिलेगी। देखिए, जो बटन्स होते हैं आपने सुना होगा सिल्वर प्ले बटन, आपने सुना होगा डायमंड प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, लेकिन ये ब्रॉन्ज, ओपल और ग्रेफाइट कभी सुना है यूट्यूब में? आज मैं बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जब भी हम यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो यूट्यूब पर जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमारे लेवल्स भी बढ़ते जाते हैं। अब वो लेवल्स कौन कौन से, उन पर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वो आप समझ लीजिए। जब हमारे किसी YouTube चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा ग्रेफाइट लेवल हो जाता है उस चैनल पर। और इस लेवल पे आने के बाद ग्रेफाइट लेवल का बेनिफिट ये है कि अगर चैनल 30 दिन पुराना है, 100 सब्सक्राइबर हो गए, तो ग्रेफाइट लेवल पर जाने के बाद आप कस्टम URL के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके चैनल का लेवल हो जाता है ओपेल। ओपेल जो लेवल होता है आपके चैनल का, उसका लेवल बेनिफिट ये है कि अगर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के साथ साथ आपके 4000 घंटे भी कंप्लीट हो गए, यानी वॉच टाइम कंप्लीट हो गया और लास्ट 12 मंथ में, तो यहाँ पर क्या होगा, आप मोनेटाइज कर पाओगे। और अगर आप मोनेटाइज कर पाओगे तो इस लेवल का ये भी बेनिफिट होता है कि आपको सुपर चैट वगैरह भी मिल जाएगी, एडवर्टीजमेंट भी आने लग जाएंगे। और अगर आपका गेमिंग चैनल है और आप ओपेल लेवल को पार कर लेते हैं, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको मेंबरशिप का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आता है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद आपके चैनल का लेवल हो जाता है ब्रॉन्ज। अब जब आप 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हो तो आपके चैनल का ब्रॉन्ज लेवल हो जाता है। यहाँ पे जो लेवल बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपका चैनल ब्रॉन्ज लेवल पे आ गया, यानी 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और मोनेटाइज भी है, तो आप टी स्प्रिंग के साथ भी मोनेटाइज कर सकते हैं। ये भी मोनेटाइजेशन का एक फीचर है। टी स्प्रिंग एक ई कॉमर्स कंपनी है, उसके साथ मिलकर आप यूट्यूब पे अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं, मतलब कि एक तरीके से मर्चेंडाइज स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों लेवल पर कोई भी आपको फिजिकल बटन नहीं मिलता है। यूट्यूब पे किसी ने भी ऐसी वीडियो बनाई है वो झूठी है, आपने जहां से भी पढ़ा है वो झूठी है। लेवल जरूर होते हैं ग्रेफाइट, ओपल, ब्रॉन्ज, बट इन पर कोई फिजिकल बटन नहीं मिलता है। इसके बाद जो अगला लेवल आता है वो आता है 100K पे, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर लेवल, और यहाँ पर आपको सिल्वर प्ले बटन दिया जाता है। उसके बाद 1,000,000 पर आप पहुँच जाते हो गोल्डन लेवल पे, और यहाँ पे आपको गोल्डन प्ले बटन दिया जाता है, मेरा भी आने वाला है। और ये सारी की सारी जो सूचना है इन सबको आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हो। आप स्क्रीन पे देखिए, विकिपीडिया पे सब कुछ इसके बारे में क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। तो 10K आपके हो गए, आप ब्रॉन्ज लेवल पर आ गए हो, लेकिन भाई आपको कोई फिजिकल बटन नहीं मिलेगा। तो भाई ये थे आज के कमेंट। आप भी अपना कोई सवाल पूछना चाहते हो तो हैशटैग आस्क योगी लिख के अपना सवाल पूछ सकते हो। हो सकता है अगले संडे कमेंट बॉक्स में आपका कोई सवाल मैं पिक कर लूँ और उसका रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, कुछ ही सवालों का मैं जवाब दे पाता हूँ। ये वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।